हेलो गाइस, हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज हम लोग रीडिंग करने वाले हैं आपके और आपके पार्टनर के लिए कि क्या आपका रिकन्सिलिएशन होगा, क्या आप फिर से एक होगे, क्या आपके बीच में फिर से कांटेक्ट होगा, क्या वो आपको कॉल मैसेज करेंगे, क्या आप उन्हें कॉल मैसेज करेंगे, और क्या आप फिर से आपका यूनियन हो पाएगा या नहीं। सो गाइस, रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अभी आप में से आई डोंट नो कितने लोगों को पता है या नहीं पता है ये बात, आई डोंट नो कितने लोग जानते हैं अबाउट मर्क्यूरी रेट्रोगेट। अगर आपने नहीं पढ़ा है इसके बारे में तो आप पढ़ना नेट पे अबाउट मर्क्यूरी रेट्रोगेट। ये स्टार्ट हुआ है फ्रॉम 30 जनवरी और ये रहेगा टिल 21 फरवरी तक रहेगा ये। एंड आप देख रहे हैं कार्ड है मर्क्यूरी का और यहाँ पे है ओपन कम्युनिकेशन, गेट अ वेट ऑफ योर चेस्ट, स्पीक अप विथ लव एंड बी हर्ड। तो मर्क्यूरी कार्ड होता है कम्युनिकेशन का, लेकिन अभी यहाँ हो रहा है मर्क्यूरी रेट्रोगेड, यानी कि मर्क्यूरी जो है वो अपने डायरेक्शन से रिवर्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो ऑब्वियसली कम्युनिकेशन भी रिवर्स होगा। अगर आपके पास, अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि कोई पर्सन आपसे पहले काफ़ी बात करता था बट अब वो आपसे कम बात करता है या बिल्कुल बात नहीं कर रहा है, या सिर्फ लव लाइफ में ही नहीं, चाहे आपके करियर लाइफ हो या आपकी पर्सनल लाइफ या आपकी हेल्थ वाइज, आप किसी तरह का आप डाउनफॉल फील कर रहे हैं, कुछ चीज़ें रिवर्स में जा रही है आपकी लाइफ में, कुछ नेगेटिव चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही है, राइट, कि मान लो कि आपके बीच में लड़ाइयाँ हो रही हैं, झगड़े हो रहे हैं, ब्लॉक कर दिया है, या फिर आपके जॉब में कुछ अफेक्ट हो रहा है, हेल्थ में कुछ अफेक्ट हो रहा है। इट्स बिकॉज ऑफ द मर्क्यूरी रेट्रोगेट जो भी हो रहा है फ्रॉम द 30 जनवरी टू 21 फरवरी तक रहेगा ये। तो उस बीच में काफ़ी सारे अप्स एंड डाउन्स आएंगे आपकी लाइफ में। तो इस चीज़ का तो एक ही की है कि इसमें ये चीज़ जो आती है हमारी लाइफ में, ये हमें सिखाने आती है कि हमें क्या चीज़ अवॉइड करनी है, कैसे वर्ड्स हमें नहीं बोलने हैं, चाहे सामने वाला हमें ना बोले, हमें सामने वाले को ना बोले। एक्चुअली मैंने भी इस बारे में आज ही पढ़ा है, मेरे को पता ही नहीं था कि इसकी डेट इस बीच में ही है, मैं खुद इस चीज़ के बारे में भूल गई थी। बट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फिनोमिना रहता है आपकी लाइफ के हर एरिया के एस्पेक्ट में, ये हर तरह से आपकी लव लाइफ को, प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ को अफेक्ट करता है। तो आपको इस जो है ये, इसमें आपको काफ़ी अपना ध्यान रखना है, अपने रिलेशंस का ध्यान रखना है, और आपको कोई भी चीज़ फोर्स नहीं करनी है। जो भी है आपको सब कुछ डिवाइन पे छोड़ के आपको सिर्फ मैनिफेस्ट करना है, क्योंकि इस चीज़ का कोई सोल्यूशन नहीं है, सिर्फ मैनिफेस्टेशन ही सोल्यूशन है। तो अगर जो चीज़ आपकी लाइफ में अभी नहीं हो रही है तो आप उस चीज़ के पीछे भागने की बजाय आप सब कुछ जो है वो डिवाइन पे छोड़ दें। इसलिए आज आपकी रीडिंग के एंड में हम जो डिवाइन गाइडेंस है ये भी लेंगे, बिकॉज़ काफ़ी अभी एनर्जी सबकी काफ़ी लो चल रही है, मुझे ऐसा फील हो रहा है। सो डिवाइन ही है जो हमारी हेल्प कर सकते हैं। सो चलिए गाइज, हम आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। और रीडिंग का टॉपिक तो आपने पढ़ लिया कि क्या आपका रिकन्सिलिएशन होगा, क्या आप दोनों के बीच में फिर से कांटेक्ट होगा। तो रीडिंग में जो भी आता है प्लीज़ टेक इट पॉजिटिवली, ये जनरल रीडिंग है। सो आई जस्ट होप कि आपका रेजोनेट करे, एंड अगर करती है गाइस तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। चलिए सबसे पहले हम कार्ड्स निकालते हैं कि आपके रिलेशनशिप में अभी क्या चल रहा है, आपका रिलेशनशिप अभी कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है आपके रिलेशनशिप में, आपके और आपके पार्टनर के रिलेशनशिप में। सो वॉट इज गोइंग ऑन इन योर रिलेशनशिप करेंटली। पहला है हेरोफेंट, टॉरस। हेरोफेंट कार्ड टॉरस का कार्ड होता है गाइस। टॉरस, आप या आपके पार्टनर टॉरस हो सकते हैं। एंड देन वी हैव एट ऑफ सोर्ड्स, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। चलिए और कार्ड निकालते हैं। द मून, कैंसर, पाइसेस। ये दो कार्ड्स और निकालते हैं आपके रिलेशनशिप के लिए, क्या चल रहा है। देन वी हैव नाइन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, दो आ गए थे, एक लेना है। चलिए एक कार्ड और लेते हैं आपके लिए। वी हैव फोर ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पे साइंस, यहाँ पे फायर साइन नहीं है, बट उसके अलावा यहाँ पे सारे साइंस हैं। बट दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, सो इट डजेंट मैटर कौन सा साइन है नहीं है, रीडिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। तो अभी आपका रिलेशनशिप जो है, डेफिनेटली आप लोग कम्युनिकेशन में तो नहीं हो, बिकॉज यहाँ पे दिख ही रहा है एट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, राइट। और ये टॉपिक भी ऐसा ही है कि क्या आपका रिकन्सिलिएशन होगा, तो डेफिनेटली आप लोग कम्युनिकेशन में नहीं हो,
तो या तो आपने या फिर आपके पार्टनर ने, किसी एक ने किसी एक को ब्लॉक कर रखा है, या फिर कांटेक्ट बिल्कुल ख़त्म है, या फिर बंद है, या फिर बहुत ही कम है। और एक इंसान जो है वो बिल्कुल जा चुका है अपने जोन में कि आपसे बिल्कुल बात नहीं कर रहा है, नो कॉल, नो मैसेज, नो रिप्लाइज, नथिंग, बिकॉज यहाँ पे फोर ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। यहाँ पे एक पर्सन जो है वो थोड़ा सा डिसेप्टिव है, डिसेप्टिव इन द सेंस कि ये पर्सन खुल के अपनी फीलिंग्स, अपनी बातें आपसे शेयर नहीं कर रहा है। यहाँ पे कुछ ना कुछ जो है वो काफ़ी हिडन है, काफ़ी हिडन है, काफ़ी चीज़ें जो है आपसे छुपी हुई हैं, इसकी फीलिंग्स छुपी हुई हैं, या इसकी लाइफ में क्या चल रहा है वो छुपा हुआ है, या जनरली आप कन्फ्यूज हो कि इस पर्सन की लाइफ में आखिर चल क्या रहा है, फिर ये पर्सन सोच रहा है कि आपकी लाइफ में आखिर चल क्या रहा है। बट एक पर्सन जो है वो काफ़ी डिसेप्टिव है, ये पर्सन चाहता तो है कि आपको लव ऑफर दे, बट आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो हॉर्स है ये एक जगह खड़ा हुआ है, ये आगे मूव नहीं कर रहा है। तो जस्ट लाइक दिस कि आपके जो पर्सन है ये भी एक जगह स्टक है, ये ऑफर देना चाहते हैं बट ये आगे मूव फॉरवर्ड नहीं हो रहे हैं आपके लिए, बिल्कुल ये आपके लिए एक्शन नहीं ले रहे हैं अभी। और आप सिंगल हो, आप अपने इंडिपेंडेंट एनर्जीज में हो, आप अभी ऑफ कोर्स आप लोग अफेक्टेड हो, आप लोग हर्टेड हो, आप लोग और डेफिनेटली यू आर, आप जानना चाहते हो कि आखिर ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, क्यों मुझे ऐसा क्यों ट्रीट किया गया एंड ऑल दैट, बट आप लोग अपनी एक पॉजिटिव जोन वाली एनर्जी में हो, आप इस चीज़ से अफेक्टेड हो वो तो दिख ही रहा है, बट उस आपको इसमें आपके एडवाइस ये है कि आपको अपना जो ऑरा है उसे ख़राब नहीं करना है, जो भी आपके संग गलत कर रहा है आपको उस वजह से अपना ऑरा ख़राब नहीं करना है, क्योंकि आप अपने आप में इतने पॉजिटिव, इतने अच्छे इंसान हो, आप बहुत अच्छे इंसान हो, राइट, बिकॉज यहाँ पे नाइन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो आपके अंदर कोई कमी नहीं है कि जिस वजह से इस पर्सन ने आपको छोड़ा है, या फिर आप अपने आप को अगर ब्लेम कर रहे हो उस चीज़ के लिए तो वो बिल्कुल करना आप बंद कर दो। यहाँ पे ये पर्सन डिसेप्टिव है बिकॉज ये पर्सन कन्फ्यूज है, या तो इस पर्सन की लाइफ में कोई थर्ड पर्सन है, बिकॉज यहाँ पे द मून कार्ड इट इंडिकेट्स थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी एनी थिंग, थर्ड पार्टी एनी थिंग, थर्ड पार्टी वर्क लाइफ हो सकती है, थर्ड पार्टी फैमिली हो सकती है, थर्ड पार्टी को थर्ड पर्सन हो सकता है, बट डेफिनेटली आई थिंक ये आपके बीच में जो इश्यूज हुए हैं वो उसका जो मेन कारण जो रहा होगा वो रहा है कमिटमेंट या प्रपोजल या मैरिज। अगर ये बात आपके बीच में आई है तो डेफिनेटली इस वजह से ही आपके बीच में इश्यूज स्टार्ट हुए हैं, बिकॉज हेरोफेंट का कार्ड जो होता है ना गाइस, हेरोफेंट कार्ड ये कार्ड आपके सामने ही आया है, राइट, तो हेरोफेंट का कार्ड जो होता है ये होता है कार्ड ऑफ कमिटमेंट, ये होता है कार्ड ऑफ मैरिज। तो एक इंसान जो है वो अपनी फीलिंग्स आपसे खुल के शेयर नहीं कर रहा है, ये इंसान डिसेप्टिव है, ये पर्सन आपसे कमिटमेंट दे अभी शायद वो रेडी नहीं है फॉर द कमिटमेंट, दैट्स वाई पर्सन आपसे दूर भाग रहा है, ये पर्सन अपनी फीलिंग्स छुपा रहा है, या ये पर्सन एट दिस पॉइंट ही रेडी नहीं है, ये पर्सन कन्फ्यूज है कि इसको लाइफ में आगे कैसे बढ़ना है। ऑफ कोर्स ये पर्सन आपको मानता है अपनी लाइफ की डिवाइन फेमिनिन, ये पर्सन आपको बहुत अच्छा समझता है, ये पर्सन को पर्सनली आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आई फील दैट ये पर्सन जनरली अपनी लाइफ में अभी स्टक है, या ये पर्सन एक्शन नहीं ले पा रहा है, वो इसकी अपनी प्रॉब्लम्स है। बट ये पर्सन जो अपनी लाइफ को अपनी क्वीन मानता है, ये जानता है कि आप इनके लिए कितने इमोशनल हो, बिकॉज क्वीन ऑफ कप्स का जो कार्ड होता है ना गाइस, दिस इज कार्ड ऑफ इमोशंस, ये पर्सन जानता है कि आप इनके लिए बहुत इमोशनल हो, आप बहुत लॉयल पर्सनैलिटी हो, और आप अपने आप में कितने कंप्लीट और कितने हैप्पी गो लक्की पर्सन हो, बट इस पर्सन के कुछ इश्यूज़ हैं, इस पर्सन की कुछ प्रॉब्लम है कि ये आपके लिए एक्शन नहीं ले रहा है अभी, ये पर्सन अपने ही हर्मिट जोन में, ये पर्सन अपने ही ऑफ जोन में, और इसके हाथ पाँव सब कुछ बंधे हुए हैं, ये पर्सन छुपा रहा है आपसे अपनी फीलिंग्स, छुपा रहा है अपनी चीज़ें, छुपा रहा है आपसे। एंड ये आई थिंक सब कुछ स्टार्ट हुआ है जब आपने इससे मे बी अपने कमिटमेंट मांगा हो, या फिर आपने शादी के लिए प्रपोज किया हो, या कुछ शादी की बात चली हो और ये पर्सन आपकी लाइफ से गायब हो गया, समथिंग ऐसा कुछ हुआ है आपकी लाइफ में, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप इन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हो, बिकॉज यहाँ पे स्टार कार्ड आया और आप इन्हें टोटली मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप प्रेयर कर रहे हो कि ये पर्सन आपकी लाइफ में आ जाए, फिर ये प्रेयर कर रहे हैं कि सब कुछ सही हो जाए, आप लोग फिर से एक हो जाओ, एंड आई थिंक आप लोग जो है एक दूसरे को स्टॉक भी कर रहे हो ऑन सोशल मीडिया, या फिर ये पर्सन आपको स्टॉक कर रहे हैं, ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं बट ये अभी कर नहीं रहे, और ये पर्सन काफ़ी स्लो है बिकॉज पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ पे, तो ये पर्सन बहुत स्लो है, ये लव ऑफर अगर देना भी चाहेंगे तो ये बहुत स्लो है उस चीज़ में, और ये आराम आराम से अपनी जो लाइफ में है आगे बढ़ते हैं, बट यहाँ पे मैनिफेस्टेशन दोनों तरफ से है, मैनिफेस्टेशन आप भी कर रहे हो, मैनिफेस्टेशन वो भी कर रहे हो, और मैनिफेस्टेशन प्रेयर्स हर चीज़ कर रहे हो आप, ये पर्सन आपकी लाइफ में फिर से आ जाए और आपको लव ऑफर दे, और आई थिंक ये पर्सन चाहता भी है आपकी लाइफ में आना, आपको लव ऑफर देना, बिकॉज यहाँ पे दो एसीज के कार्ड है, राइट, लव ऑफर
का आप दोनों को ही वेट है, बट यहाँ पे शायद आपका पर्सन थोड़ा सा ईगोस्टिक है, स्टबर्न है, राइट, स्टबर्न है, ईगोस्टिक है, या फिर वो कुछ लोग होते हैं ना कि जो कमिटमेंट से दूर भागते हैं, ये उस तरह के पर्सन है कि इसको कमिटमेंट चाहिए भी और चाहिए भी नहीं, मतलब इन्हें आपके साथ रहना भी है और नहीं भी रहना है, इस तरह के पर्सन आप समझते हैं कि रहना भी है लेकिन कमिटमेंट मैरिज के नाम से डर भी लगता है, इस तरह की पर्सनैलिटी है इस पर्सन की। बट एनीवे हम देखते हैं कि ये पर्सन अभी आपके लिए कैसा फील कर रहे हैं, इन पर्सन की करंट फीलिंग्स जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, इस पर्सन की हम करंट फीलिंग्स देखते हैं, फिर इस पर्सन का हम नेक्स्ट एक्शन देखेंगे कि क्या होगा। लेकिन आपका रिलेशनशिप तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा स्टक है, आपका रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ रहा है, ये तो चीज़ साफ दिख रही है। सो चलिए हम इस पर्सन की अब करंट फीलिंग्स निकालते हैं आपके लिए। सो व्हाट आर द करंट फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर, करंट फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर, करंट फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर अभी आपके लिए कैसा फील कर रहे हैं वो, करंट फीलिंग्स ऑफ दिस पर्सन फॉर यू। एम्प्रेस लीब्रा, एम्प्रेस इज अ कार्ड ऑफ लीब्रा, पॉजिटिव सोच रहे हैं गाइज, वो आपके लिए पॉजिटिव ही सोच रहे हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस, दो मेजर अरकाना आए यहाँ पे, ये कार्ड फिर से रिपीट हुआ है, फोर ऑफ सोर्ड्स, बहुत स्लो है यहाँ पे, टॉरस कार्ड भी है, किंग ऑफ पेंटिकल्स इज कार्ड ऑफ टॉरस, एंड देन जस्टिस अगेन लीब्रा, फोर ऑफ सोर्ड्स जेमिनी लीब्रा एक्वेरियस, बट साइंस कोई भी हो आपको सिर्फ उस साइन की एनर्जी लेनी है, राइट, एस ऑफ वांड्स, किंग ऑफ वांड्स, व्हाट ऑन द डेक वी हैव हैंगमैन एंड द वर्ल्ड, ये रिलेशनशिप एक्चुअली हैंगमैन की स्टेट में ही है अभी की, इस ये रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ रहा है, ये रिलेशनशिप स्टक हो गया है। आई गेस कि आपके पर्सन ऑफकोर्स सी आपके बारे में वो बहुत अच्छा सोचते हैं, आपके बारे में वो आपको बिल्कुल एम्प्रेस मानते हैं अपनी लाइफ की या एम्प्रर मानते हैं अपनी लाइफ के, एंड ये पर्सन काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक हैं, काफ़ी पॉजिटिव हैं आपको लेके, एंड ये पर्सन चाह रहे हैं कि पास्ट में जिसने जिसके साथ बुरा किया या जिसने जिसके साथ भी कुछ भी हुआ आपके बीच में पास्ट में, उस चीज़ में जस्टिस मिले, आपको जस्टिस मिले, इन्हें जस्टिस मिले और रिलेशनशिप में एक बैलेंस आए, इक्वल गिव एंड टेक हो, बराबर का प्यार हो, जितना प्यार आप करते हो उतना ही प्यार ये भी करें आपसे, बिल्कुल ऐसी फीलिंग है। एंड ये पर्सन आई गेस अभी बिजी हैं अपनी लाइफ में, अपने मटेरियल गेन्स करने में, अपनी वर्क लाइफ में, अपने करियर लाइफ में, अपने पेंटिकल्स में, एंड मे बी ये पर्सन थोड़े से प्राउडी हो, स्टबर्न हो, ईगोस्टिक हो, बिकॉज यहाँ पे टॉरस देख रहे हैं, टॉरस साइन बना हुआ है, तो टॉरस एनर्जी होती है कि टॉरस साइन ही अपने आप में एक वेरी प्राउडी एंड ईगोस्टिक साइन है, तो ये पर्सन डेफिनेटली प्राउडी है, ईगोस्टिक है, या इस तरह की इनमें एक ईगो है कि यू नो आगे बढ़ के चीज़ें सॉर्ट आउट ना करना, राइट, ये इस तरह की इनकी एनर्जी है, बट डेफिनेटली ये पर्सन आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं। मेरे को यहाँ पे शायद थर्ड पार्टी दिख रही है, थर्ड पार्टी में भी उनकी वर्क लाइफ हो सकता है थर्ड पार्टी, बट थर्ड पार्टी जो भी है इट डजेंट अफेक्ट, बिकॉज थर्ड पार्टी से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ये पर्सन आपको एक नया लव ऑफर देना चाहते हैं, नया लव ऑफर बिल्कुल चाहते हैं, ये आपका न्यू पैशनेट बिगनिंग चाहते हैं, एस ऑफ वॉन्ट्स, अ न्यू पैशनेट बिगनिंग ये चाह रहे हैं आपके साथ, लेकिन ये पर्सन एज यूजल वेरी स्लो है, वेरी वेरी स्लो दिस पर्सन, ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, या फिर कुछ इनकी लाइफ में ऐसा चल रहा है कि इन्हें अभी इस वक्त अपनी लाइफ में अकेले रहना है और इनको किसी के लिए भी कोई एक्शन नहीं लेना है, डेफिनेटली कॉन्शियसली ये चाहते हैं कि आपके लिए एक्शन लें, बिकॉज यहाँ पे दो कार्ड आए हैं किंग के, देख रहे हैं किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, एक्शन लेना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, आपके साथ जस्टिस चाहते हैं, चाह रहे हैं कि इस रिलेशनशिप में जस्टिस आए, लेकिन हैंगमैन है और फोर ऑफ सोर्ड्स है, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, यही मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, ये भी चाह रहे हैं कि सब कुछ सही हो जाए, ये भी चाह रहे हैं कि इनको इनके अंदर कोई फियर्स हैं अगर रिलेशनशिप को ले, कमिटमेंट को लेके, उस चीज़ आई थिंक ये आपको टोटली कमिट करने से पहले एक थोड़ा सा ब्रेक चाहते हैं आपसे, ये चाह रहे हैं कि अभी आप इन्हें स्पेस दो, टाइम दो, या जनरली अगर इनकी लाइफ में कुछ भी चल रहा है, ये अभी उन सबसे ब्रेक लेके ये अभी अपने ही जोन में रहना चाहते हैं, उसके बाद ही आके आपको लव ऑफर देना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, और ये आपके लिए कुछ गलत नहीं सोच रहे, बिकॉज आपने कुछ भी गलत नहीं किया इनके साथ, ये आपको अपनी लाइफ का एम्प्रेस
कि आपको अपनी लाइफ का किंग मानते हैं, समझ रहे हैं आप। और आप दोनों की जो कपल है ना, वो बहुत ही सॉलिड पावर कपल है। एम्प्रेस स्टैंड्स फॉर एक बहुत ही इस तरह का, जिसके बहुत प्यार है इसके दिल में, तो आपके दिल में बहुत प्यार है राइट इनके लिए, और इनके दिल में ही बहुत प्यार है। बट ये पर्सन के अंदर ईगो भी बहुत ज़्यादा है, तो ये पर्सन को थोड़ा टाइम लगेगा आपके पास आने में, आपसे आपके आपसे एक्सप्रेस करने में और आपको जस्टिस देने में, आप समझ रहे हैं। बट आपको मैनिफेस्ट करते रहना है इस पर्सन को। यानी आपका कार्ड आया द वर्ल्ड, तो यूनिवर्स आपके लिए ही वर्क कर रहा है। आपको अपनी मैनिफेस्टेशन कंटिन्यू रखनी है, या फिर आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, द वर्ल्ड ये पर्सन कहीं और है, आप जहाँ ये पर्सन वहाँ नहीं है, दूसरे सिटी में है, दूसरे स्टेट में है, दूसरी कंट्री में है, बट आपसे काफ़ी दूर है पर्सन, क्या जनरली आपके बीच में डिस्टेंस आ गया है। बट द वर्ल्ड इंडिकेट्स कि ये पर्सन चाहे कहाँ कहीं भी है, ये पर्सन आपको अपना वर्ल्ड मानते हैं, और ये पर्सन आपसे सोशली कनेक्ट होना चाहते हैं। टेन ऑफ सोर्ड्स अगेन, ये पर्सन आपके लिए एक्शन नहीं ले रहे हैं अभी, बिकॉज ये पर्सन अभी स्टक है, या फिर थर्ड पार्टी के साथ अगर ये पर्सन थे तो वहाँ पे इन्हें कुछ नहीं मिलेगा, ना मिलेगा। तीसरा कार्ड आया है किंग ऑफ सोर्ड्स, तीन किंग के कार्ड है, तो ऑफ कोर्स एक्शन लेना चाहते हैं, एक्शन लेंगे, चीज़ें क्लियर करना चाहते हैं आपसे, कि इन्होंने आपके साथ कुछ भी अगर करा है गलत तो वो क्यों करा, दे वॉन्ट टू क्लियर एवरी थिंग। और ये शायद आपकी एनर्जी है नाइन ऑफ सोर्ड्स कि यू नो आप परेशान हो, आप अपसेट हो, या फिर ये ऐसे पर्सन भी हो सकते हैं कि जो ये भी इस तरह के हो सकते हैं कि ये परेशान है, ये अपसेट है, ये डिप्रेस्ड है अपनी लाइफ में इस वक्त की चीज़ें वर्कआउट नहीं कर रही है, या आप दोनों ही ऐसे हो सकते हो, आपको रात को नींद नहीं आ रही, इनर को नींद नहीं आ रही है, समथिंग लाइक दैट। बट आपको अपनी मैनिफेस्टेशन कंटिन्यू रखनी है, बिकॉज ये टाइम पे आपको स्ट्रेंथ रखना है, आपको अपने अंदर की स्ट्रेंथ रखनी है। और ये पर्सन आएंगे, आप देख रहे हैं ये पर्सन आएंगे, इन्होंने आपको छोड़ा है ना, तो ये पर्सन आएंगे आपके पास, न्यू स्टार्ट लेंगे, टू ऑफ कप्स का कार्ड है, न्यू स्टार्ट लेंगे आपके साथ। बट अभी आपकी एनर्जी, इनकी एनर्जी इस तरह की है, और आपको इस चीज़ से बाहर निकलना है, इस चीज़ से बाहर निकलना है, आपको न्यू बिल्डिंग मिलेगी, लेकिन ये पर्सन बहुत प्राउडी है, बहुत ईगोस्टिक है, और आप अपनी एनर्जी प्लीज़ अभी ख़राब ना करिए, आपको सिर्फ स्ट्रेंथ रखनी है अभी इस वक्त बना के, राइट। अगर ये पर्सन आपके लिए परफेक्ट है, इन्हें अगर आपकी वैल्यू है, तो ये आएंगे, क्यों नहीं आएंगे, ये आएंगे और बहुत जल्द आएंगे ये आपके पास। बट अभी इन पर्सन का हम नेक्स्ट एक्शन देखते हैं कि नेक्स्ट एक्शन क्या लेंगे ये आपके लिए। सोच तो बहुत अच्छा रहे हैं आपके लिए, राइट। आपको एम्प्रेस मानते हैं, किंग मानते हैं, बट लेट्स सी कि नेक्स्ट एक्शन क्या लेंगे ये आपके लिए। सो नेक्स्ट एक्शन ऑफ दिस पर्सन, नेक्स्ट एक्शन ऑफ दिस पर्सन, व्हाट नेक्स्ट एक्शन, नेक्स्ट एक्शन ऑफ दिस पर्सन फॉर यू। वाओ, एज ऑफ सोर्ड्स, कम्युनिकेशन आ रहा है, क्लैरिटी आ रही है, सबसे बड़ी बात तो ये। फोर ऑफ पेंटिकल्स, चलिए और कार्ड्स निकालते हैं नेक्स्ट एक्शन के लिए। थोड़े कम्युनिकेशन तो आएगा गाइस, बस ये चल रहा है ना, मोकी रेट्रोगेट। वाओ, एस ऑफ पेंटिकल्स, दो एसेस, टू ऑफ सोर्ड्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, सिक्स ऑफ कप्स, डेविल, नेक्स्ट एक्शन, वन मोर कार्ड, हर्मिट, व्हाट ऑफ द डेक, एम्परर। सो ऑफ कोर्स ये आपसे बात करेंगे, ये आपसे बात करेंगे, ये आपसे कांटेक्ट करेंगे, लेकिन थोड़ा सा स्लो है ये पर्सन, बिकॉज यहाँ पे पेंटिकल्स का कार्ड है, तो डेफिनेटली स्लो प्रपोजल है, लेकिन ये चाहे कहीं भी भटक लें, किसी के पास भी चले जाएँ, कुछ भी, थर्ड पार्टी हो, एनी थिंग, ये पर्सन को लौट के आपके पास आना है, बिकॉज आप दोनों का जो अट्रैक्शन है ना, वो बहुत सॉलिड है एक दूसरे के लिए। आप दोनों की जो फीलिंग्स हैं, जो आप, जो ये पर्सन आपके लिए जैसा फील करते हैं ना, वैसा किसी और के लिए फील नहीं कर सकते हैं ये, बिकॉज डेविल कार्ड एक बहुत स्ट्रॉन्ग सॉलिड अट्रैक्शन कनेक्शन का कार्ड है, एंड डेफिनेटली ये पर्सन आपको मिस कर रहे हैं। सिक्स ऑफ कप्स का कार्ड है ना, दिस इज कार्ड ऑफ की नॉस्टैल्जिया, मिसिंग, मिसिंग समवन अ लॉट, बहुत ज़्यादा इमोशनली किसी को मिस करना। एंड यहाँ पे कार्ड है फोर ऑफ पेंटिकल्स, सो डेफिनेटली ये पर्सन काफ़ी पोजेसिव है आपके लिए,
पोजेसिव हैं या फिर आप इनके लिए पोजेसिव हैं कि ये लाइक दिस पार्टनर इज माइन, ये पर्सन मेरे हैं हर तरह से. आप देख रहे हैं इस पर्सन ने कैसे कॉइन्स को होल्ड कर रखा है हर तरह से, कि ये पर्सन मेरे हैं. बिकॉज डेफिनेटली यू नो एक पॉइंट आता है लाइफ में कि आप भी कब तक वेट करोगे, आप अपनी लाइफ में मूव ऑन करोगे आगे. बट जब इस पर्सन को रियलाइज होगा कि अब आपकी लाइफ में अब आप मूव ऑन कर रहे हो, ये पर्सन आएंगे आपके पास, ये पर्सन आएंगे, आपको स्टक नहीं होना है. आई थिंक ये पर्सन अभी हर्मिट मोड में है, ये पर्सन यू नो अकेले बिल्कुल गुमनाम, जैसे अकेले हो जाते हैं ना कि अकेले रहना है, किसी से बात नहीं करनी है, अकेले रहना है, इस तरह की एनर्जी है इस पर्सन की. लेकिन ये पर्सन आपसे भी इंस्टेंट कनेक्शन बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फील करते हैं. आपको मिस तो कर ही रहे हैं, बिकॉज सिक्स ऑफ कप्स कार्ड इज कार्ड ऑफ नॉस्टैल्जिया, मिसिंग मिसिंग यू, मिसिंग टाइम स्पेंड विथ यू. बट ये पर्सन एक बहुत ही बहुत कन्फ्यूज पर्सनैलिटी है, इसको नहीं पता कि इसको किस डायरेक्शन में जाना है, इसको किस तरह चीज़ें आगे बढ़ानी है. बिकॉज काफ़ी इमेच्योरिटी, इमेच्योरिटी है कि नहीं पता चीज़ों को हैंडल कैसे करना है. जब चीज़ें लाइफ में आती हैं सडनली, कमिटमेंट आ गया, सडनली प्रपोजल आ गया, तो ये घबरा जाते हैं एंड दे गेट कन्फ्यूज कि अब क्या करूँ, अब कैसे करूँ. राइट, इमेच्योर एनर्जीज ऑफ योर पर्सन. थ्री योर वॉन्ट्स, ऑफकोर्स ये पर्सन भी अकेले हैं या फिर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, मिलने के आने के बारे में सोच रहे हैं, या फिर आप काफ़ी अकेले हैं, आप इस पर्सन का वेट कर रहे हैं कि आए और आपको क्लैरिटी दे, आपके साथ न्यू बिगनिंग ले. तो न्यू बिगनिंग हो रही है, प्रपोजल भी आ रहा है, सब कुछ सही होगा, लेकिन किसी के लिए भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कॉम्प्रोमाइज़ करना इज़ नॉट अ गुड थिंग. आपको अपना इनर वर्क करना है, आपको अपनी एनर्जीज पे ध्यान देना है, राइट, ना कि इस पर्सन पे. बिकॉज इनको आना है तो ये आएंगे, एंड ये पर्सन इमेच्योर है. जब तक ये एम्परर ना बन जाए, एम्परर स्टैंड्स फॉर रिस्पॉन्सिबल पर्सन, रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लें आपकी और इस कनेक्शन की, तब तक ये पर्सन के आने का मतलब भी क्या है, राइट. एक इनको एम्परर बनना, इनको ऐसे इनको एम्परर बनना है कि अब ये आए तो आपको छोड़ के फिर से ना जाए, और ये इक्वल गिव एंड टेक दें आपके रिलेशनशिप में, एंड इस रिलेशनशिप का पूरी जिम्मेदारी भी उठाएं ये. अगर इन्होंने आपको इन द पास्ट हर्ट किया है तो अब ये जिम्मेदारी लें, ना कि आपको फिर से लटका के चले जाए कि ये फिर से आएंगे, बात करेंगे, फिर से जाएंगे, आएंगे जाएंगे इस तरह से. नो, यू वॉन्ट अ हैंगमैन और एम्परर, इट्स योर डिसीजन कि आपको यू हैव टू वेट कि टिल ये एम्परर बन जाए और आपके पास आपको जस्टिस दे. यू वॉन्ट जस्टिस, राइट, आपको इक्वल गिव एंड टेक चाहिए इस रिलेशनशिप में, तो ये आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए. तो आप बस मैनिफेस्ट करो, ये पर्सन आपसे लव करते हैं, ऑफकोर्स लव करते हैं, ये पर्सन आपके पास आना चाहते हैं, ऑफकोर्स आना चाहते हैं, बट ये आएंगे, बिल्कुल आएंगे, बहुत जल्द आएंगे, बट दे नीड टाइम. और मैनिफेस्ट अच्छे से करोगे तो बहुत जल्दी आएंगे. और सबसे बड़ी बात है, जो पर्सन आपका है वो कहाँ जाएगा फिर, राइट. चलिए और कार्ड निकालते हैं नेक्स्ट एक्शन के लिए. वाओ, अगेन 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 एम्परर के दो कार्ड आए यहाँ पे, कार्ड नंबर 4, कार्ड नंबर 4. ये अब आएंगे ना आपकी लाइफ में तो एम्परर बन के आएंगे, बिल्कुल एक्शन लेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, एंड रिजॉयस इन सेलिब्रेशन. सेलिब्रेट कर रहे हो आप लोग, साथ में सेलिब्रेट करोगे. ऑफकोर्स ये पर्सन जो है ये इमोशनल कम है, प्रैक्टिकल ज़्यादा है, बिकॉज यहाँ पे कप्स के कार्ड काफ़ी कम है, कप्स के कार्ड कम है यहाँ पे, पेंटिकल्स और अर्थ साइन जो है वो ज़्यादा है. बट दैट डजेंट मीन कि ये आपसे प्यार नहीं करते हैं. वाओ, फाउंडेशंस एंड अचीवमेंट, आप देख रहे हैं हैप्पी फैमिली का कार्ड है ये. सो ऑफकोर्स ये मिलेगा आपको, लेकिन आपका आपको बस मैनिफेस्ट सही तरह से करना है. बिकॉज आप गलत नहीं हो तो आपके साथ गलत क्यों होगा, क्यों होगा आपके साथ गलत. शैडो ये आएंगे और आपको बताएंगे कि इन्होंने आपके साथ अगर ऐसा करा तो क्यों करा, ये आपको फिर से जीरो से स्टार्ट करेंगे और आपको अपनी रियलिटी बताएंगे कि मैंने अगर ऐसा इन दी पास्ट में करा आपके साथ तो क्यों करा, क्या रीज़न था, क्यों बात करनी बंद करी, क्यों बात करनी कम करी, क्या रीज़न था. बट ये आपके साथ एक नई बिगनिंग चाहते हैं. फोर ऑफ वॉन्ड्स का जो कार्ड है, दिस इज कार्ड ऑफ ट्विन फ्लेम कार्ड. आई थिंक आप में से काफ़ी लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में भी हैं, और आप लोग को काफ़ी बार दिखता भी होगा 11-11, मे बी आप काफ़ी देखते हो. चलिए आउटकम कार्ड निकालते हैं गाइज आपके लिए, और उसके बाद गॉड एडवाइस लेंगे आपके लिए. तो क्या है इस रिश्ते का आउटकम, आउटकम ऑफ दिस रिलेशनशिप. द गार्डनर, गार्डनर जो एक तरह से कार्ड होता है डिवाइन मैस्कुलिन का,
वी हैव डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन एंड वी हैव मैनिफेस्टेशन एंड देन वी हैव लव वाव एंड देन वी हैव कनेक्शन. सो ये पर्सन डिस्टॉर्टेड है और इनको अपनी डिस्टॉर्टेड एनर्जी से निकल के इनको आना है डिवाइन एनर्जी में. ये अभी चीज़ों से भाग रहे हैं, ये अभी आपकी जिम्मेदारी, इस कनेक्शन की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते हैं, राइट. ये बहुत ज़्यादा उलझे हुए हैं काफ़ी चीज़ों में, तो ऑफ कोर्स वो डिस्टॉर्टेड है. बिकॉज एक जो परफेक्ट पर्सन होता है वो हर चीज़ों को इक्वली बैलेंस कर सकता है अपनी लाइफ में, चाहे करियर लाइफ हो, लव लाइफ हो, फैमिली लाइफ हो, सबको बैलेंस करना पड़ता है, राइट. आप कब तक भागोगे चीज़ों से. तो इनको ये ही चीज़ सीखनी है और इनको इस चीज़ से निकल के इनको ये बनना है कि जो हर चीज़ की जिम्मेदारी ले, जो हर चीज़ को सही करे, ना कि बिगाड़े. इस पर्सन ने आज तक सिर्फ बिगाड़ा है रिश्ते को, इसने कभी जिम्मेदारी नहीं ली है. बट डेफिनेटली ये लेंगे जब आप ढंग से मैनिफेस्ट करोगे तो. बिकॉज यहाँ पे कार्ड भी है मैनिफेस्टेशन, तो आपको अपनी मैनिफेस्टेशन करनी है, इन्हें अपना वर्क करना है, आप दोनों ही अपना अपना काम करो. और जितनी जल्दी आप हील होगे उतनी ही जल्दी ये भी हील होंगे. और आई थिंक ऐसा भी है कि आपकी अवेकनिंग ऑलरेडी हो चुकी है, बिकॉज ये पर्सन अभी नहीं जानते हैं कि आप इनके साथ शायद एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हो. ये पर्सन नहीं जानते हैं कि आपकी उनकी जर्नी ट्विन फ्लेम जर्नी है. और दैट्स वाई अभी इनको इस रिलेशनशिप की इंपॉर्टेंस, कि ये रिलेशनशिप इनकी लाइफ में क्यों आया है, उसकी इंपॉर्टेंस नहीं पता है. बट आप अपना इनर वर्क करो, आप अपनी मैनिफेस्टेशन करो. बिकॉज आई थिंक इस पर्सन को रियलाइज़ ही नहीं है अभी कि ये जो जर्नी होती है ये ईजी नहीं होती है, एंड ये जर्नी सिर्फ स्पेशल लोगों को मिलती है. तो अभी वो इस चीज़ को बहुत लाइटली ले रहे हैं कि आ रहे हैं जा रहे हैं, दैट्स नॉट डन, राइट. एंड ये जर्नी हार्ड भी होती है. तो इन्हें डिस्टॉर्टेड एनर्जी से निकल के इन्हें आना है एक बिल्कुल डिवाइन एनर्जी में, जहाँ पे ये जिम्मेदारी ले और उसके बाद आपका लव कनेक्शन फिर से स्टार्ट होगा. बिकॉज डेफिनेटली ये लव तो करते ही हैं आपसे, लव तो दोनों तरफ से बराबर है, बट वही है ना कि एक इम्पॉर्टेंट समझने की देरी है बस. एंड वी हैव कनेक्शन, तो कनेक्शन बिल्ड होगा आपका फिर से. कनेक्शन, आप लोग फिर से कनेक्शन में आओगे, बात करोगे, मिलोगे, डेट पे जाओगे. वैलेंटाइंस मी, आई जस्ट होप कि आप लोग वैलेंटाइंस साथ में स्पेंड करो. आई जस्ट प्रे फॉर यू ऑल कि ये सब सही कर दें ये पर्सन. चलिए लास्ट में हम गॉड एडवाइस देते हैं आपके लिए. सो क्या एडवाइस देना चाहते हैं गाइज? सबका रिकन्सिलिएशन ऑफकोर्स होगा, येस होगा, कॉल भी आएगा, मैसेज भी आएगा, बहुत ही जल्द आएगा. आपको बस मैनिफेस्टेशन करते रहना है, और जिसके साथ गॉड है उसके साथ सब है. चलिए आपके लिए अब हम गॉड एडवाइस निकालते हैं. पहला कार्ड है यहाँ पे लाइट एक्टिवेशन, और कार्ड्स निकालते हैं. दूसरा कार्ड है यहाँ पे हार्ट अवेकनिंग. तो आपके पार्टनर जो है वो काफ़ी, अगर प्रैक्टिकल है, दिमाग से सोचने वाले, तो उनकी हार्ट अवेकनिंग हो रही है और आपको अपनी हार्ट अवेकनिंग करनी है. हार्ट चक्रा ओपन करना है यहाँ पे. और लेते हैं गाइस एंजल्स के मैसेजेस आपके लिए. तो पहला कार्ड है हार्ट अवेकनिंग. सो ऑफकोर्स हार्ट अवेकनिंग हो रही है. अवेकन टू एक्सेप्टेंस एंड डिवाइन लव गिव एंड रिसीव इन बैलेंस. तो बैलेंस आएगा, हार्ट चक्र ओपन होगा. जब हार्ट चक्र ओपन होगा आपके पार्टनर का, तो ऑफकोर्स एक बैलेंस आएगा इस रिलेशनशिप में. देन लाइट एक्टिवेशन, शाइन योर लाइट, योर इंटरनल गाइडेंस इज कमिंग थ्रू लाउड एंड क्लियर. तो आपकी जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो भी आप दिल और दिमाग से सोच रहे हो ना, वही चीज़ें लाइक रियल लाइफ में भी होगी. तो इफ़ यू विल थिंक पॉजिटिव, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव के नेगेटिव होगा. तो इट्स अप टू यू. देन वी हैव योर थॉट्स आर मैग्नेटिक एंड पावरफुल, मिरेकुलस चेंजेस आर अकरिंग. सो मैंने कहा था जो आपके थॉट्स होंगे, जैसे आपके थॉट्स होंगे वैसी ही चीज़ें आपकी लाइफ में होंगी. सो थॉट्स पे कंट्रोल करो, थॉट्स पॉजिटिव रखो. देन मूव बियॉन्ड करंट चैलेंजेस, फोकस ऑन वॉट यू डिज़ायर. सो चैलेंजेस सबकी लाइफ में, राइट, इन योर लाइफ, इन माई लाइफ, इन एवरी वंस लाइफ. लेकिन चैलेंजेस से आगे निकल के फोकस करना है कि आपको क्या चाहिए. कुछ भी, चाहे कुछ भी आपको लाइफ में चाहिए, उस चीज़ से फोकस करना है. देन इनर स्ट्रेंथ, मूव बैक टू होलनेस, रिकॉग्नाइज दैट यू हैव पावर. तो आप बहुत स्ट्रांग हो, आपने जब इतना स्ट्रेंथ रखा है तो थोड़ा और, राइट. और आई थिंक यू आर डिवाइन फेमिनिन्स, मोस्टली जो वीडियो देख रहे हैं, तो आप काफ़ी स्ट्रांग हो.
एंड देन लव एंड एक्सेप्टेंस होप. सो लव इज़ योर्स, रिकोगनाइज योर डिवाइन वर्थ, चूज लविंग थाट्स. सो लव एंड एक्सेप्टेंस जो भी आ रहा है आपकी लाइफ में उसको लविंगली एक्सेप्ट करो, होप बना के रखो, बिकॉज जो चीज़ आपकी है वो तो कहीं नहीं जाएगी. एंड आपकी डिवाइन वर्थ, अपनी वर्थ पहचानो, एंड जो भी थाट्स हैं उन वो लविंग थाट्स रखो, अच्छे थाट्स रखो, पॉजिटिव येलो रेडियंट पॉजिटिव थाट्स, और उसके बाद आपकी लाइफ एकदम बहुत बेस्ट होने वाली है. और यहाँ पे एक और कार्ड हम ले लेते हैं. यहाँ पे कार्ड है धर्मा अनफोल्डिंग. सो रिमेंबर एट यू आर ऑन अ पाथ, टेक वन स्टेप एट अ टाइम टू हैप्पीनेस. तो आप जिस जर्नी पे हो, जिस पाथ पे हो, वो ईजी नहीं है, तो आपको वन स्टेप एट अ टाइम चलना है और आपको आगे जाके आपकी सारी विशेज पूरी होने वाली है. सो जस्ट डोंट वरी, जस्ट स्टे पॉजिटिव, जस्ट स्टे हैप्पी, जो होगा अच्छा होगा, और इफ़ यू आर राइट तो आपके संग गलत नहीं होगा. दैट्स इट. सो गाइज, आई होप आपको इससे हेल्प मिली हो. सो प्लीज़ टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब. थैंक यू.